अब सुनो, समवेयर आई फील बैड कि भाई का बुरा टाइम चल रहा है. जस्ट थिंक अबाउट इट. एक तो पहले पब्लिक ने भाई को ट्रेलर पर ट्रोल किया, फिर पिक्चर रिलीज होने के बाद उसे इलीगली पायरेट करके देखा, और अगर उतना काफी नहीं था तो पिक्चर देखने के बाद भाई को फिर से ट्रोल किया. और ये सब के बाद जब भाई ने पायरेसी के अगेंस्ट आवाज उठाई, तब आप लोगों ने उसे फिर से ट्रोल किया. अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या. मतलब पहले ना भाई का ऐसा खौफ था, एक फियर था, एंड नाउ इट्स लाइक अबे कौन है तू, प्रधानमंत्री. जब से तू मिला ना, अपना तो आतंक ही खत्म हो गया यार. Hey guys, welcome back to Bloody Guy. So, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बकवास मूवी के बारे में. एक ऐसा मूवी जिसे मूवी बुलाने में भी शर्म आती है, जिसका हीरो एक्टर कम और कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर ज्यादा है. एक ऐसा मूवी जिसमें लॉजिक, स्क्रिप्टिंग और एक्टिंग का कोई अता पता नहीं है. मैं तो KRK के देशद्रोही की बात कर रहा हूँ, परंतु अगर आप लोगों को लगा कि मैं भाई के राधे मूवी की बात कर रहा हूँ तो चल बजड़ी के, क्योंकि राधे मूवी बेस्ट है. It was at this moment that he knew he fucked up. But it's not the worst movie, यार. मतलब come on, Race 3 नहीं देखा? अच्छा वो भी भाई की फिल्म है. But फिर भी यार, तुम लोग ना ऐसा भाई के साथ एकदम prejudice करते हो. भाई fans, prejudice का मतलब पहले से judge करना. Tension मत लो, मैं अभी भी आप लोगों के भाई के साइड में ही हूँ. मैं भाई के अगेंस्ट एक शब्द नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो कम पड़ जाएगा. बट एनी वे, पिछले वीडियो पे मेरे जो एक्सपेक्टेशन से उससे तो काफी बेहतर व्यूज आए, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड अब आप लोग सोच रहे होंगे कि IPL तो 4 मई को खत्म हुआ और मेरा पहला वीडियो 15 मई को आया, तो इतना लेट कैसे हो गया. अब असल में बात यह है कि मेरा वीडियो तो 10 मई को ही आने वाला था, फिर मैंने राधे का ट्रेलर देखा. अरे मुझे चक्कर आने लग गया, सिर दुखने लग गया, तो डॉक्टर ने बोला तू भाई 4 दिन आराम कर, मेडिसिन के नाम पे डोलन के पिक्चर देख, एंड इट वर्क्ड. अब इंसेप्शन और इंटरस्टेलर तक सब ठीक चल रहा था, पर फिर टेनेट देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि भाई की फिल्म जरूरी है टू मेंटेन बैलेंस. परफेक्टली बैलेंस्ड दिस होल थिंग शुड बी. भाई क्या कॉम्प्लेक्स मूवी था वो. मतलब मुझे समझा, आपको समझा ना, वो पिंसर मूवमेंट वगैरह समझा ना. सी, Pinsir is basically a bug type Pokemon. Moving on. Must joke mara re. Ye has re halka has. You know what? अगर आप लोगों को Tenet समझाना तो कमेंट्स में टाइप करके मुझे भी समझाओ. नहीं मतलब इंपॉर्टेंट है एंगेजमेंट. अब ना हम लोग भाई के राधे मूवी के बारे में बात करते हैं. आजा संडास दिखाता हूँ. उसके पहले आप लोग सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दोनों प्रेस कर दो, क्योंकि अब हम लोग 65,000 सब्सक्राइबर्स पर है और हमें फटाफट 66,000 सब्सक्राइबर्स पहुंचना है. और अगर इतना भीख मांगने के बाद भी आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे. परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर. So basically, I am pretty sure कि राधे is a good movie, क्योंकि reviews तो full headache. I got headache after watching such a third class worst film, means worst of worst, shocking, such a worst film I have seen. I can't believe it for 1 hour 49 minutes. Worst film, worst. Hey, come on, this is just one guy. मतलब बाकी सब जगह तो market. ऐसा आइटम मेरे पास मत लाओ. IMDb की रेटिंग में फ्लॉप हुई सलमान की राधे. जानिए क्या रहा पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन. ये ना ऐसे हेडलाइन पे मत जाओ तुम लोग, IMDb का रेटिंग चेक करो. एंड यू नो व्हाट, कल ना मैं ट्विटर पे जस्ट स्क्रॉल कर रहा था और उतने में मुझे ये दिखा, वी ऑफर यू टू वॉच अ फिल्म राधे एट अ रीजनेबल प्राइस ऑफ 249 रुपीज पर व्यू. इन स्पाइट ऑफ दैट, वेट अ मिनट, 249 रुपीज पर व्यू टू वॉच राधे. चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या यार. उससे अच्छा तो मैं उतने पैसों में कैश करो पे शॉपिंग कर लूंगा. मावशी जी
अरे मजाक नहीं, फैक्ट है। आप लोग एजियो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और ये मिंत्रा वगैरह पे शॉपिंग करते हो ना, तो आपको तो कैश करो यूज करना ही चाहिए। कैश करो इंडिया का सबसे बड़ा कैशबैक ऐप है, जो आपको शॉपिंग और रिचार्जेस के लिए रिवॉर्ड्स और कैशबैक देता है। और हाँ, ये रियल कैश है जो आप लोग अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो या फिर अमेजोन गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हो। यू नो व्हाट, मैं ना आप लोगों के लिए गिव अवे करता हूँ। आप लोगों को 200 रुपीज के 5 गिफ्ट वाउचर्स दे रहा हूँ मैं फॉर साइनिंग अप ऑन कैश करो एंड मेकिंग अ परचेज। अब वो गिव अवे के रूल्स में बाद में बताता हूँ, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अब यार मुझे ना वो भाई का मैसेज पढ़ने में से एक्साइटमेंट हो रहा है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। वो ऐसे मैसेज नहीं, वो ऐसा डायरेक्ट धमकी है भाई की। चलो पढ़ लेते। पायरेटेड साइट्स आर स्ट्रीमिंग राधे इलीगली, व्हिच इज अ सीरियस क्राइम। अब ये टाइम आ गया है कि भाई क्राइम के बारे में बता रहे। साइबर सेल इज टेकिंग एक्शन अगेंस्ट ऑल दिस इलीगल पायरेटेड साइट्स, प्लीज डोंट पार्टिसिपेट इन पायरेसी और द साइबर सेल विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू एज वेल। प्लीज अंडरस्टैंड यू विल गेट इन टू अ लॉट ऑफ ट्रबल विद द साइबर सेल। भाई नो ऑफेंस, पर क्या है ना, अपने यहाँ क्रिमिनल्स हमेशा पकड़े नहीं जाते, कभी कभी कुछ लोग बच भी जाते हैं। मतलब अच्छा ठीक है, टॉपिक चेंज करता हूँ। आपको बताता हूँ कि कैश करो यूज कैसे करने, क्योंकि इसमें आपका भी फायदा है। डिस्क्रिप्शन में गए हुए लिंक से कैश करो डाउनलोड करो और उससे 25 रुपीज का बोनस पाओ, या फिर सीधा प्ले स्टोर या फिर एप स्टोर पे जाओ, कैश करो डाउनलोड करो और वहां पर Blue25 करके कोड डालो टू गेट योर 25 रुपीज बोनस। डाउनलोड करने के बाद फिर आप लोग कोई भी वेबसाइट सिलेक्ट करो, जैसे यहाँ पर मैं अमेजोन सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर ऑरेंज बटन पर टैप करो, इससे आप सीधा उस वेबसाइट पर पहुंचोगे। अब जैसे आप यूजुअली शॉपिंग करते हो वैसे शॉपिंग करो, अपने मनपसंद प्रोडक्ट्स को अपने कार्ट में ऐड करो और पेमेंट कर दो। पेमेंट करने के बाद कैश करो के माय अर्निंग्स के सेक्शन में आप अपना कैशबैक चेक कर सकते हो। एंड लाइक आई सेड बिफोर, जैसे ही आपका कैशबैक कंफर्म हो जाएगा उसे आप डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, इट इज योर एक्चुअल मनी, या फिर आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो अमेज़न गिफ्ट वाउचर में। सी द बॉटम लाइन इज कि कैश करो अपना इंडियन ऐप है, रतन टाटा जी ने इसे स्पॉन्सर किया हुआ है, तो आपको तो ये यूज करना है मतलब है। और 1500 से भी ज्यादा वेबसाइट्स है इसमें, इट्स शॉकिंग कि कैश करो कितना यूजफुल है। वैसे मैं शॉक तो एक और चीज की वजह से, भाई ने बोला ना कि लोग पायरेसी करके राधे देख रहे हैं। पायरेसी छोड़ो, राधे देख रहे हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? पर उससे भी बड़ा सवाल ये है कि वो लोग कौन है जो राधे के लिए 250 रुपए दे रहे हैं। मैं तो ट्रेलर देखने के बाद ही रिफंड मांग रहा था। अब सुनो, समवेयर आई फील बैड कि भाई का बुरा टाइम चल रहा है। जस्ट थिंक अबाउट इट। एक तो पहले पब्लिक ने भाई को ट्रेलर पर ट्रोल किया, फिर पिक्चर रिलीज होने के बाद उसे इलीगली पायरेट करके देखा, और अगर उतना काफी नहीं था तो पिक्चर देखने के बाद भाई को फिर से ट्रोल किया। और ये सब के बाद जब भाई ने पायरेसी के अगेंस्ट आवाज उठाई, तब आप लोगों ने उसे फिर से ट्रोल किया। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। मतलब पहले ना भाई का ऐसा खौफ था, एक फियर था, एंड नाउ इट्स लाइक अबे कौन है तू, प्रधानमंत्री। जब से तू मिला ना, अपना तो आतंक ही खत्म हो गया यार। I'm not kidding. भाई के उस ट्वीट पर ये रिप्लाई देखो। Sorry भाई, I watched your movie through pirated websites, but trust me, it wasn't me who downloaded it. It was my driver. Who can understand it? अरे ये तो इसका ट्वीट मैं नहीं। खत्म। Bye bye. Tata. Goodbye. गया। But that's not all. Some people agreed with भाई. Like this girl said. Full support. Strict action should be taken on people watching your movies. मैं तो कहता हूँ राधे को प्रोडक्टिवली यूज करो। ये बिना मास्क पहने हुए घूमने वालों को फाइन से क्या डर? जिसे मौत से डर नहीं लगता उसे फाइन से क्या डर? ऐसे लोगों को 2 घंटे जबरदस्ती बिठाकर राधे दिखाओ इन्हें। सी आप लोग ना भाई को ऐसा दिल से अप्रिशिएट नहीं करते। ऑन द कॉन्ट्ररी आई अप्रिशिएट भाई। भाई बेस्ट है। अब 2020 यानी कि लास्ट ईयर हम सब के लिए कितना मुश्किल था, बट भाई मेड इट इजियर। पिक्चर ही रिलीज नहीं किया। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। आई थिंक मैंने ना अभी बहुत बोल लिया है। एक काम करता हूँ, साने को पीडिया को बुला लेता हूँ। हे गाइस, तो आपको तो पता ही होगा कि भाई की नई फिल्म आ गई।
अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि कोई भी एक फिल्म से इंस्पिरेशन लेके इतनी घटिया फिल्म कैसे बना सकता है। हाँ हाँ मुझे पता है कि बॉलीवुड में थोड़ा डांस और सॉन्ग होता है, बट ये क्या था सीरियसली, इतना खराब टाइमिंग कैसे? अरे स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। अब वो सब जाने दो, ये मूवी में ना एक ऐसा सीन है जिधर भाई हेलीकॉप्टर से जंप करता है और क्लिफ से एंटर करता है। मतलब ये सीन देखने के बाद आई वॉज लाइक भाई मारो मुझे। पहली बात तो ये हेलीकॉप्टर के दरवाजे बंद थे, एंड सेकेंडली फिजिक्स, निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल। बट सीरियसली गाइज, ये फिल्म के ऊपर 250 रुपीज उड़ाने से अच्छा ना एक बर्गर खा लो, एटलीस्ट पेट भर जाएगा। और अगर आपको वो नहीं करना है तो 250 का कैश करो पर शॉपिंग करो ना, एटलीस्ट कैशबैक मिलेगा और वो कैशबैक से आप लोग वड़ा पाव खा सकते हो। समझ गया। और अगर आपको ये फिल्म देखनी है ना, मतलब आपका मूड हुआ ही फिल्म देखने का ऐसे बकवास फिल्म, तो भाई और दिशा पटानी के सीन्स छोड़ के सिर्फ रणदीप हुड्डा के सीन्स देखो, क्योंकि और कुछ देखने लायक है ही नहीं ये फिल्म। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। सो दैट्स इट, अगर ये पार्ट आपको पसंद आया तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो sanik_18 और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो सानिकोपीडिया। अब जब आप लोग यहाँ तक पहुंच ही गए हो तो सब्सक्राइब कर ले कर ले कर ले कर ले। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो @thebluehoodiegay। और अब मैं बता रहा हूँ गिव अवे के रूल्स। नंबर 1, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कैश करो को डाउनलोड करो, या फिर अपने ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से जाओ, कैश करो सर्च करो, डाउनलोड करो और कोड डालो blue25। कैश करो पे 1500 से भी ज्यादा वेबसाइट है, तो उसमें कोई भी वेबसाइट पे जाओ, रिचार्ज करो, परचेस करो, कुछ भी छोटू सा ट्रांजेक्शन करो। बस इतना करने के बाद आप में से 5 लोगों को मिलेंगे Amazon के गिफ्ट वाउचर्स वर्थ ₹200 each। और जाते जाते वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या चाहिए। ब्लू आर्मी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। बाय।